इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। कल ही मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे, आपने भी पढ़ा होगा, आजकल बहुत फॉरवर्ड होते हैं, बोला आप जैसे 50 मिल जाएंगे, बोला मेरे जैसा ही क्यों चाहिए। इलेक्शन के बाद अगर पूरी सीटें नहीं मिलती हैं, बहुमत तक नहीं पहुंचती है, समझौते की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या बीजेपी इनेलो के साथ पोस्ट पोल अलायंस करेगी या किसी तरीके मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता, जिस प्रकार का जनसमर्थन हमको विधानसभा इसमें लोकसभा चुनाव में मिला है, उसके बाद किसी की आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी की, अपने बलबूते पर सरकार बनेगी, हमारा गठबंधन के जो साथी हैं वो हमारे साथ रहेंगे, इसलिए किसी की भी आवश्यकता मुझे नहीं लगता। अच्छा चलिए बताइए, कल को ये ऐसा सवाल है जिसपे पिछले 2-3 महीने से चर्चा हो रही है और हर जगह चर्चा हो रही है, अगर गठबंधन नहीं रहता है तो उसका नुकसान, कहा जाता है कि उसका नुकसान ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि कुलदीप जी के पास तो बहुत ज़्यादा कुछ खोने को है नहीं। देखिए अभी ये कहना ठीक नहीं है गठबंधन नहीं रहेगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि गठबंधन जारी रहेगा, गठबंधन हम रखना चाहते हैं, और केवल इतना ही है कि बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने उनको सारी बातें कही हैं, उनको भी समझना चाहिए। तो अगर गठबंधन नहीं रहता है, माना नहीं रहता है, तो 90 उम्मीदवार आप खड़े करेंगे? नहीं नहीं, अभी नहीं रहता वाला, हाइपोथेटिकल 90 उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के पास, हाइपोथेटिकल, क्योंकि विपक्ष ये कहकर ये भी कहता है, वो कहता है कि लोकसभा में इनके पास उम्मीदवार नहीं थे, वहां तो 10 ही सीटें थी, यहाँ 90 सीटें हैं, कहां से संगठन लाएंगे, कहां से कैंडिडेट लाएंगे? देखिए प्रदेश की राजनीति में हर दल में तीन चार लोग हर विधानसभा में लड़ने के लिए तैयार होते हैं, यानी सीरियसली तैयार होते हैं। मैं भी जितना जानता हूँ हरियाणा की राजनीति को, हर दल में तीन चार लोग होते हैं, दल की ताकत के हिसाब से और उस क्षेत्र की स्थितियों के हिसाब से उनका वेट होता है। मेरी पार्टी में भी है, और जिन लोगों को हमने बिल्कुल ही ऐसा माना था कि बहुत साधारण हैं, बहुत कमज़ोर हैं, चुनाव से पहले बहुत सारे ऐसे विचार किए थे कि क्या ये निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे लोकसभा, और वो इतने वतों से विजयी होकर आए हैं कि किसी को भी कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए किसी को भी आज की तारीख में ये कहना इस बदले हुए वातावरण में कि कौन कमज़ोर कैंडिडेट होंगे या कैंडिडेट नहीं होंगे, ये बिल्कुल अव्यवहारिक बात है। अच्छा ठीक है सर, धनखड़ साहब चुनाव कहाँ से लड़ने जा रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो क्या कोई असेंबली अभी तक तय हुई है? चर्चा बादली विधानसभा की आ रही है कि ओम प्रकाश धनखड़ बादली से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, और मेरे बारे में जो भी निर्णय करेगी वो पार्टी करेगी, मुझे चुनाव लड़ना है और नहीं लड़ना है तो ये सब निर्णय पार्टी के हैं, ये बात बिल्कुल सही है। स्वाभाविक रूप से अगर मेरा कोई चुनाव क्षेत्र है विधानसभा में तो बादली है, क्योंकि मेरा गांव और मेरा सारा का सारा संबंध परिवार जो भी है वो बादली विधानसभा क्षेत्र में ही है, लेकिन कौन कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और ये सारा का सारा निर्णय पार्टी करती है। एक बात और चर्चा में रही इस बीच में कि अमित शाह प्रभारी हो सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तो बहुत सारी बातें वातावरण में हैं, और जैसी चर्चाएं उनके लिए हैं उसके बाद वो प्रभारी वाली बात से तो ऊपर हो जाती है। वो कब तक फाइनल होने की संभावना है? धनखड़ साहब आपने ये जो कुर्ता पहना हुआ है इसका रंग कुछ संकेत दे रहा है, कुछ इशारा कर रहा है, क्या ये कुलदीप बिश्नोई के लिए राहत की बात है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है? क्या ये रंग उन्हें ये संदेश दे रहा है कि चिंता मत करो गठबंधन में सब ठीक रहेगा? नहीं नहीं, 2-3 दिन पहले तो धनखड़ जी ने ये इस तरीके का फिलर दिया था, और थोड़ा सा उसके बाद ये बात भी थमी कि टूटेगा नहीं टूटेगा, उधर चंद्रमोहन बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे, तमाम सारी चीजें उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा तो एक तरीके से कुर्ता एक रणनीति के तहत धनखड़ साहब ने पहना है। मुझे आज ये मालूम नहीं था मुझे इंडिया न्यूज पर आना है, दोपहर कुर्ता पहनने के बाद तय हुआ। तो इस रंग से तो कोई संदेश आप देंगे? मैं सामान्यतः इसी कलर के कुर्ते पहन, सामान्यतः ज्यादातर कुर्ते, चूंकि आपने ये रंग पहन लिया है अचानक ही सही पहन लिया हो, गठबंधन सुरक्षित तो है?
नहीं, मैं तो बहुत आदर से कह चुका हूँ पहले ही कि बहुत गरिमा के साथ गठबंधन के को साथ चलना चाहिए, उसी में हरियाणा की भलाई भी है और हम दोनों दलों के लिए भी अच्छा है। ठीक है धनखड़ साहब, नरेंद्र मोदी से नजदीकी के लिए आप जाने जाते हैं, पिछली बार भी जब हमने आपसे बातचीत की थी लोकसभा चुनाव में जब आप थे और तब भी हमने आपसे सवाल किए थे और हमने एक आदर्श स्थिति की भी कल्पना की थी, हालांकि आपने हंस के टाल दिया था, जवाब नहीं दिया था। चुनावों में हार जीत के बाद संबंध पुख्ता हुआ है, थोड़ा कमजोर हुआ है, क्या स्थिति है? और अगर वैसे ही पुख्ता और नजदीक है तो प्रदेश की जनता को इसका फायदा मिलने जा रहा है, कब मिलेगा वो नजदीकी, उसका असर जनता को दिखना तो चाहिए सर। देखिए नरेंद्र मोदी जी मेरे नेता हैं, देश के नेता भी हैं, हमारे नेता भी हैं और निश्चित रूप से बहुत वर्षों तक मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, चाहे वो यहाँ के चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़े, चाहे यहाँ की अगर प्रदेश की जनता का कोई मसला होगा तो मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा, सीधे फोन पे बता दूंगा, चाहे प्रभारी के नाते जब यहाँ थे, चाहे वो वहाँ गुजरात में जाने के बाद भी लगातार गुजरात के चुनाव में मुझे काम करने का मौका मिला, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में काम करने का मौका मिला, उनको उन्होंने जो कृषि मेला आयोजित किया था उसके लिए भी काम करने का मौका मिला और अभी इस चुनाव में भी काम करने का मौका मिला और निश्चित रूप से वो हमारे नेता हैं। मैं इस बात को मेरी गर्वोक्ति नहीं लिया जाना चाहिए कि भाई नरेंद्र मोदी जी मेरा क्या, हम जैसे कार्यकर्ताओं का सबका फोन सुनते हैं। नहीं नहीं वो अच्छी बात है, वो अब देश के नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री किसी दायरे में नहीं है, वो सबकी भलाई के लिए सोचते हैं, लेकिन खासकर ये जो बात कोट की जाती है कि अब वो चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं, अब तो बस फोन कर देने की जरूरत है, समस्याओं का समाधान होगा। सारी की सारी सरकार हमारे मित्रों की है, अमित जी जानते हैं कि हम सब लोगों ने वर्षों से तीन तीन चार चार दशकों से साथ काम किया है, चाहे वो धर्मेंद्र होंगे, आप कितने सारे थावरचंद जी होंगे, आप एक एक करके मैं 40 मंत्रियों का आपके सामने नाम ले दूंगा, राधामोहन जी मेरे साथ किसान मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तो वो सारा का सारा मंत्रालय, समर्थी जी हम साथ पदाधिकारी थे, सारा के सारे मंत्री वही हैं जिन्होंने साथ काम किया है, वर्षों से साथ काम किया है और बीजेपी में सब लोग एक परिवार की तरह से काम करते हैं, वहाँ कोई बहुत फॉर्मल रिलेशंस नहीं होते। अभी MPs के कैंप में हम थे तो कोई MP ऐसा नहीं था कि भाई ये कोई हम MP देख रहे हैं नहीं कोई अलग चीज़ देख रहे हैं, सारे ही हमारे घर परिवार के लोग जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सालों साल साथ काम किया है, इसलिए सबके ही मित्रवत संबंध है। धनखड़ जी अभी सूरजकुंड में जो अभी ट्रेनिंग कैंप हुआ उसमें मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक तो भ्रष्टाचार से बचे और दूसरा अहंकार से बचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने इन दोनों चीज़ों को आत्मसात किया है या भ्रष्टाचार और अहंकार दोनों ही, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि मोदी जी जो कह रहे हैं ठीक उसके विरोध में प्रदेश में पार्टी जा रही है, अहंकार भी बढ़ रहा है और दूसरे आरोप भी लग रहे हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कि हमारे ज़्यादातर साथी बहुत विनयशील हैं और मोदी जी का मैसेज MPs के लिए नहीं हम सब लोगों के लिए भी, हमारी विनम्रता बढ़े और जिस प्रकार की पार्टी की छवि है देश में या जिस प्रकार का मैसेज नरेंद्र मोदी जी का क्लियर कट है कि कोई 50 रुपये भी देश के खजाने से इधर उधर नहीं कर सकता, उसी छवि के साथ हमको हरियाणा में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, ओम प्रकाश धनखड़ की महत्वाकांक्षा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की है या नहीं है? ये जवाब सर मत दीजिएगा कि पार्टी जो आदेश करेगी हम वो करेंगे, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि आदेश क्या होता है और नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और नरेंद्र मोदी जी का एक मैसेज बहुत क्लियर कट मेरे मानस पर है, कुछ बनने की मत सोचो, कुछ करने की सोचो। और बहुत सारे ऐसी बातें मेरे मन में हैं कि जो जैसे आपने ही कहा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट किस प्रकार से किसानों का भला कर सकती है, हरियाणा के किसानों को भी हम किस प्रकार से बाजार में बासमती का चावल का किसान मेरा किस तरह से ठगा जाता है कैसे बचा सकते हैं, कितनी बड़ी बेरोजगारी मेरे प्रदेश में संकट बन गई है, अब बड़ी संख्या में हमारे यहाँ कुंवारे हो गए हैं इसके कारण से, बेरोजगारी के कारण से, रोजगार नहीं होने के कारण से, उसके कारण से अपराधीकरण बढ़ गया है। मैं देखता था कि मैं काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हूँ, 96 में आ गया था प्रदेश का महामंत्री होकर, कुछ वर्षों पहले हम देखते थे कि हमारे सामने बैठे हुए लोगों में और मंच पर बैठे हुए लोगों में कोई अंतर नहीं है, सेहत का, कपड़ों का, वैसा ही हरियाणा दिखता था और हम बाहर के राज्यों में जब जाते थे किसी का शुरू में तो ऐसा लगता था कि मंच पर बैठे हुए लोग जरा ज़्यादा ठीक ठाक दिखते हैं और सामने के लोग कमज़ोर दिखते हैं, उनके कपड़े वैसे नहीं हैं, वो समाज का एक अंतर, वर्ग का अंतर ध्यान में आता था और वो अब हरियाणा में दिखने लगा है।
उसको हम हरियाणा में महसूस करते हैं। अब इस प्रकार के उस प्रकार का ग्रामीण परिवेश में जिस प्रकार की समृद्धि आनी चाहिए थी जी। जिस प्रकार के विकास के फल नीचे तक पहुंचने चाहिए थे, जिस प्रकार से अधिक हर घर में एक खुशहाली आनी चाहिए थी, वो नहीं आई है, उसका संकट है और वो करना ये लक्ष्य है, ये सपना है। बहुत शुक्रिया, बनना नहीं। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश धनखड़ साहब स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, खास मुलाकात में। आज बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ थे। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं जाए नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।